अयोध्या की सबसे पुरानी और सबसे तेज विकसित होने वाली बाजारों में से एक रामपुर भगन बाजार की एक अलग ही रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं रामपुर भगन मार्केट के बारे में कुछ अनोखी बातें। अयोध्या की बाजारें ही विकसित नहीं हुई हैं, बल्कि अयोध्या के रहन सहन का तरीका भी बिल्कुल अलग हो गया है। अभी हम रामपुर भगन की बाजार में हैं। रामपुर भगन की बाजार को आप देखेंगे तो पहले के मुकाबले बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और यहाँ का पूरा लाइफस्टाइल आप कह सकते हैं काफी बदल चुका है, काफी हाईटेक हो चुका है। बहुत अच्छी अच्छी दुकानें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं और आपको अयोध्या सिटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे ऐसे सामान है जो आपको यहीं पर मिल जाते हैं। जैसा कि अभी हम लोग थोड़ी देर में ही रामपुर भगन की मेन मार्केट में पहुंचने वाले हैं। यहाँ देखेंगे तो इंडिया का एटीएम लगा हुआ है और यहाँ से हम लोग सीधे जा रहे हैं, जो कि सामने अभी देख रहे होंगे आप एम्बुलेंस जाते दिखाई दे रही है। तो यहाँ सुविधा की भी बात की जाए तो सुविधा भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी है और पूरी मार्केट में ऐसा कोई सामान नहीं है जो आपको यहाँ नहीं मिल जाएगा। और यहाँ के लोग भी, यहाँ के दुकानदार भी बहुत ही अच्छे हैं। और रामपुर भगन में आपको क्या अच्छा लगता है वो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, रामपुर भगन के बारे में हमें नहीं, आप भी कुछ बताइए, आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगता है, रामपुर भगन की क्या खासियत है जो आपको अच्छी लगती है, अभी आप मौके पर कहाँ हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं आपकी अयोध्या का चैनल अयोध्या स्टोरी। यहाँ पर आप देखेंगे अमर हार्डवेयर है और यहाँ से आगे हम जाएंगे तो हार्डवेयर के दो चार दुकानें हैं जहाँ पर आपको हार्डवेयर के बहुत सारे सामान मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं और अच्छे रेट में भी मिल जाते हैं। आपको ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी हम लोग कुछ देर में पहुँचने वाले हैं मोबाइल बाजार और मोबाइल बाजार के आगे लेफ्ट हैंड को बैंक ऑफ बड़ौदा है और मोबाइल बाजार पर हम थोड़ी देर रुकेंगे। यदि आप कहेंगे उससे आगे की भी वीडियो हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे।